साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं 2018 में उनके खिलाफ पार्टी ने साजिश की, एमपी की सीट पर पीटीआई ने उन्हें हरवाया। अगर वो एमपीए होते तो पंजाब की ये हालत ना होती। बाद में साबिक वज़ीर ख़ारजा ने वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि उनका इशारा तहरीके इंसाफ के उन साबिक रहनुमाओं की जानिब था जो आज पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है। आज पंजाब की यह कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। 217 वालों जागो जागो, मुझे क्या फर्क पड़ा? मैं तो वजीर खारजा बन गया, तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। अगर ये आपका अंदाज नहीं है सोचने का, गुजर जाएगा 17 तारीख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं।